हैप्पी होली। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड जो कि कढ़ाई में डल चुका है। हिमाचल में इनको गुजिया नहीं बोलते, इनको बकरे बोलते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है गुजिया बनाने से। तो सबसे पहले मैं उसका मसाला तैयार कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये मैं गुजिया बना रही हूँ अपने स्टाइल में, पहाड़ी स्टाइल में, जैसे मैंने अपनी दादी से सीखी है ना ये चीज बनाना, तो उनके स्टाइल में मैं बना रही हूँ। तो अभी मैं कब से निखिल को बोल रही हूँ कि मेरी एक हेल्प कर दे, पर अभी तक वो आई नहीं रहा। निखिल आ जा यार, मेरी एक हेल्प चाहिए मुझे तेरे को, मतलब मेरे को तेरे को चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे तेरी हेल्प चाहिए। बस की हो गया, बाहर वो रखा हुआ है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता, स्टोन स्टोनी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्सी का जग, मिक्सी का जग धो के दो मुझे, मुझे चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मेरा मसाला बनके बस थोड़ी देर में ही तैयार होने वाला है। इतना टेस्टी मसाला होता है ना ये, मजा ही आ जाता है खा के। तो गाइस यहाँ पे होली तो खेल ली, अब रिचू देखो कैसे कपड़े धो रही है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जो आपने वीडियो देखी ना वो वाली वीडियो की, और कपड़े अब धुल रहे हैं। देखो रिचू को दिखाता हूँ मैं चुपचाप। ये क्या हो रहा है रिचू? कपड़े धो रही हूँ। कौन से? वो कल वाले जो होली खेली थी। ये काम करेगी तो ये भी है। मैं बोलूंगी ये सूखो दी है, तो ये भी तो धोनी है। धो दिया तूने? ये नहीं धोई, ये कितना गंदा हो रहा है। छी, सोया सॉस वाला पानी डाला था तुमने इसमें। अच्छे से धो, अच्छे से। निखिल मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। अभी ये कर रहे हैं गरी को कद्दूकस। यहाँ पे मेरा मसाला बन के तैयार हो गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी होगा ये। तो गाइज यहाँ पे रिचू की गाड़ी गुजिया बनाने की कहाँ तक पहुंची है मुझे तो नहीं पता, बाकी देखते हैं वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उसके बाद पता लगेगा उसको गुजिया बनानी आती भी है नहीं। देख तो गाइज अभी मैं गुजिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है यहाँ पे गूंदने के लिए, और दूध ले लिया और पानी ले लिया। दूध और पानी के साथ मैं आटा गूंदूंगी, फिर उसके बाद बहुत टेस्टी गुजिया बनती है इस चीज से। तो गाइज मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होता है आटा गूंदना, हरे राम। और इसके लिए तो बहुत सॉफ्ट वाला आटा गूंदना पड़ता है, तो मुझे बहुत अच्छे से गूंदना पड़ेगा, हरे राम। मैंने सोचा कि मैं दूध के साथ ही गूंद लेती हूँ आटा, मतलब पानी नहीं डालती हूँ, तो मैं भी दूध के साथ ही गूंद रही हूँ। वैसे मर्जी है, वैसे मेरे को लगा कि दूध के साथ ज्यादा अच्छा गूंदी जाएगा, अच्छा गूंदी नहीं मतलब टेस्ट अच्छा आएगा। बहुत अच्छे से गूंदना है मैं इस आटे को, क्योंकि तभी अच्छी बनेगी ना, ऐसे तो ऐसे गंदी सी बनेगी। ये अभी तो गाइज यहाँ पे रिचू का पोपट हो गया, और पहली इसने पूरी बनाई और वो अच्छे से उठी नहीं यहाँ से। अरे यार क्या करती है तू? अरे उठी इसलिए नहीं ना कि वीडियो के चक्कर में ज्यादा बेल दिया। वीडियो के चक्कर में ज्यादा बेल दिया इसने, इसको आता होता कुछ नहीं है गाइज। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइज अभी यहाँ पे गुजिया का शेप जो कि बहुत ही अच्छे से बन चुका है, इसमें मसाला थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया रिचू तुमने, थोड़ा कम मसाला डालती तो अच्छा लगता, तो थोड़ा सा कम मसाला डालना ठीक है। तो गाइस कौन बता रहा है मेरे को जो टीवी देखते रहते हैं 24 घंटे? फालतू मत बोल, एक तो इसको चीजें सिखाओ, ऊपर से फालतू बोलती है ज्यादा। मैं तेरे को अच्छी चीजें बताता हूँ, तूने मेरी सुन लिया कर। ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे बन रही है गुजिया, जो कि आपने सिनेमैटिक में देख ही लिया है कितना कुछ सिनेमैटिक कर दिया है रिंचू की वजह से। तो अभी हम लोग बेलने लगे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक देखना गुजियों का रंग। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड जो कि कढ़ाई में डल चुका है, और ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और इसमें ब्राउन कलर आ चुका है। रिचू के तो बहुत अंदर से लारें उठ रही हैं कि मैंने इतना अच्छे से कैसे बना लिया गाइज। वैसे देखते हैं खाने पे कैसे लगेंगे, अभी बनने दो, मेरे मुंह से तो लारें पहले लटकने लग गई हैं।
क्योंकि देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप लोग देखते रहिए और लास्ट में हम खाने का मजा लेंगे। देखा जाए तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है। क्यों रिचो, रिचो यहाँ पे बताएगी इसकी खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। तो भाई लगेगी क्यों नहीं, क्योंकि बनाया किसने है। मैंने कोई हेल्प नहीं कराई, जैसे की इसमें जितना भी मसाला है गाइस मैं भर रहा हूँ, बनाया रिचो ने है। मैंने नारियल कद्दूकस किया था, आपने देखा है। उसके बाद ये सिर्फ बेल रही है और मैं इसके सांचे में डाल के उसको मैं बना रहा हूँ, उसमें मसाला डाल के मैं बना रहा हूँ। भाई थोड़ी मेरी भी करनी है, मेरी भी बड़ाई कर, थोड़ी मेरी भी बड़ाई किया कर कि मैं भी काम करता हूँ। थोड़ी सी हेल्प क्या कर दी, बड़ो भरी काम करती हूँ। थोड़ी सी हेल्प क्या कर दी, बड़ो भरी काम करती। यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आ गए। यहाँ ये बेल भी रहा है, बहुत डाल भी रहा है, मसाला इसमें भर भी रहा है और मैं यहाँ पे इनको निकालने जा रही हूँ। पर थोड़ी बहुत देखो इनकी शेप कैसे बना रहा है ये देखो। अच्छा अच्छे वाली मत दिखा। अच्छे वाली, हाँ अच्छे वाली भी है, बहुत बेस्ट बनाई है इसने देखो। अब यही बनाया जा रहा है, ये जितनी भी दिख रही है आपको ना, ये सारी निखिल ने ही बनाई है, क्योंकि मेरे को यहाँ देखना पड़ रही है ना कहीं जल ना जाए, ये चीज इसको नहीं आएगी। देखो यहाँ पे कितने अच्छे से भर रहा है ये। तो इसको ऐसे कर दीजिए और इसके बाद इसको ऐसे करके इसको यहाँ ऐसे कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पे फाइनली बहुत सारी कचौरियाँ बन चुकी है। गुजिया, तो यहाँ पे बहुत सारी गुजिया बन चुकी है जो कि रीजू और मैं बना रहे हैं। ये देखिए कितनी सारी गुजिया है, वाव। और रंग भी इसका बहुत मस्त आया। रीजू वेरी गुड, गुड बॉय। और यहाँ पे ये देखिए तेल में ऐसे ये बताओ क्यों हुआ गाइस इसका कलर, क्योंकि निखिल ने दो गुजिया ऐसे बनाई जो फट गई। इसकी भी कोई गलती नहीं है और फटने के कारण तेल के अंदर मिक्स हो गया और इसका कलर ऐसा हो गया। मुझे क्या पता, मैं तो काम कर रहा हूँ ना यार, ठीक है ना। मुझे क्या पता है ना गाइस, मुझे क्या पता, मैं तो काम कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे प्रॉपर काम चल रहा है, एकदम मस्त। इसने जो आटा गूंदा है ना वो मस्त, एकदम मस्त तरीके से गूंदा है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब हमारे फैमिली वाले खा लेंगे तभी मैं बताऊंगा कि किस चीज से गूंदा था। क्यों तो गाइस मैंने इसको ये नहीं पता कि मैंने व्लॉग बना दिया उस चीज का। ओह शिट मैन। तो ठीक है गाइस, इसने बता दिया जैसे कि ये गूंदा गया है आटा दूध से, और दूध यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दिया है। मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाया। मेरे को अभी थोड़ी देर में कॉफी की क्रेविंग होने वाली थी जो अब नहीं होगी। तो अभी अरे वाह गुजिया, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तुमने बनाई है? हाँ। अच्छा तो गाइस हमारी गुजिया तो तैयार हो गई है। तो गाइस होली के दिन गुजिया ना खाए तो मजा ही क्या है ना। उस होली का मजा ही नहीं आया जिस होली में गुजिया ना हो। तो जैसे कि मंडी की होली बहुत फेमस होती है, वैसे ही और जगह की होली बिना गुजिया के कोई फेमस नहीं होती। शाबाश। बस हवा निकल गई गाइस, के अंदर मसाला ही नहीं है। तो गाइस इसी ने ही भरा है सारा मसाला, इसी ने ही भरा है। मैं भी खा लेती हूं। घटिया, हाय राव इतनी टेस्टी गुजिया। हाँ, मैं बना सकती हूँ निकल, मैं बना सकती हूँ। मैं बेल रहा था और मैंने मसाला, मैं बना सकती हूँ खाली तेल में तलने से, मैं बना सकती हूँ। तो गाइस मैं बताती हूँ इस गुजिया की रेसिपी क्या थी। मैंने क्या किया, चने की दाल दी, रात को भिगोने के लिए रख दी, फिर उसके बाद सुबह तक वो थोड़ा सॉफ्ट होगी तो उसको, और उसको फिर ग्राइंड कर लिया मिक्सी में डाल के, वो भी छोटे जार में। ये नहीं कि बड़े जार में कर लो, छोटे जार में। छोटे जार में इसलिए किया क्योंकि छोटे जार में अच्छे से मिक्स होता है और बड़े जार में रह जाते हैं चने के दाने। ये तो बहुत काम करने वाली है। फिर उसके बाद कढ़ाई ली, रिफाइंड डाला, रिफाइंड के बाद वो डाली क्या बोलते उसको, मसाला डाला, रिफाइंड में मसाला डाल दिया, सॉरी पेस्ट, पेस्ट डाला पेस्ट, इसको करती रही घर मतलब ऐसे ऐसे पूरा हिलाते गए उसको अच्छे से कि वो जम ना जाए, इसलिए वो फिर उसका मसाला सारा बारीक हो गया। फिर उसके बाद मतलब ठंडा हो गया मसाला, फिर उसको फिर से ग्राइंड किया मिक्सी में, थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं मार्केट गया, वहां से मैं लेके आया ड्राई फ्रूट, फिर ड्राई फ्रूट लेने के बाद उसको मिक्सी में ग्राइंड किया और उसको उसमें डाल दिया, और मैंने नारियल खोपा, नारियल सूखा हुआ नारियल जिसको बोलते हैं गोला, वो मैंने कद्दूकस किया और उसके बाद हमने वो कद्दूकस करके उसमें मिला दिया, मसाला तैयार हो गया। और फिर उसके बाद आया
सेकंड वाला टास्क सबसे बड़ा वाला जो कि आटा गूंदा और मैं दूध भी साथ में लेके आया था। इसने दूध के साथ आटा गूंदा है, कई लोग पानी के साथ गूंदते हैं तो इसने दूध के साथ इसलिए गूंदा है क्योंकि दूध के साथ गूंदने से सॉफ्ट बनती है वो। Yes, guys. और उसको मतलब जैसे ही आप गूंदा वैसे ही थोड़ी देर में बनाना पड़ता है। अगर हम पानी के साथ गूंदते ना तो फिर उसके बाद अगर हम पानी के साथ आटे को गूंदते हैं तो थोड़ी देर हम रख भी सकते हैं, एक दो घंटा। बट अगर हम दूध के साथ आटे को गूंद रहे हैं तो उसको हम ज्यादा देर नहीं रख सकते क्योंकि उसकी पापड़ी बननी स्टार्ट हो जाती है। पापड़ी बनना स्टार्ट नहीं हो जाती क्योंकि तुमने वो तो बोला था। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये काम कर ले क्योंकि टीवी देख रहा था, एक चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका ये मतलब होता है कि मतलब जो सॉफ्ट हो जाती है ना वो गुजिया तो वो पिघलने लग जाती है क्योंकि सॉफ्ट होता है ना बहुत ज्यादा आटा, तो इसलिए। और मुझे मतलब मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाई है ये, मेरी दादी ने ये अपनी लाइफ में सब कुछ फर्स्ट टाइम ही बनाती है गाइस। तो मैंने अपनी दादी, आपका भी फर्स्ट टाइम ही बना रही है ये, बकवास मत कर। मेरी दादी ने हमेशा मुझे सिखाया था, निखिल जो तूने गुजिया खाई ना ये मेरी दादी की रेसिपी मतलब है। चलो ठीक है गाइस, गुजिया बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, आप लोगों ने भी देख लिया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड हैप्पी होली। और जिन जिन्होंने होली के दिन गुजिया बनाई है अपने अपने घरों में तो हमें कमेंट कर जरूर बताना। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल में इनको गुजिया नहीं बोलते, इनको बकरे बोलते हैं। जो जो हिमाचल से है ना उनको पता होगा कि बकरे बोलते हैं। हट यार, मरते रहते हैं, मरते रहते हैं गाइस। बकरे तो ये है, ऐसे करते हैं बकरे। चलो गाइस मैं बताऊंगी इसकी स्टोरी में मैं बताऊंगी कि बकरे क्यों बोला जाता है। जब मैं हिमाचल जाऊंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी कि बकरे का क्या राज है।